अगर मऊ में कोई घूमना चाहे तो जैसे मऊ के जो एरिया है जी जी जी, वहाँ पे किस किस जगह ये जो गाड़ियाँ जा सकती है? आप कहीं भी, आप कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं जहाँ चाहे आप जा सकते हैं। लोग अंदर चलेंगे और अंदर आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह का जो है अंदर आपको दिखता है। सबसे पहले ये जो है, मैं गेट ओपन करता हूँ और आइए अंदर आपको दिखाते हैं। और जैसे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैं जो है एक वैन के अंदर या एक कार के अंदर बैठा हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं एक जो है एयरलाइंस या फ्लाइट के अंदर बैठा हूँ। लेकिन अब तो ये है कि मऊ ही नहीं, हमको भारत में कहीं जाना होगा, भारत नहीं भारत के किसी भी कोने में जाना होगा, जितने भी राज्य हैं, चाहे वो कहीं जाना हो, उज्जैन जाना हो, भी फुल एसी है, इसका भी मजा है और भी एकदम रिलैक्स महसूस हुआ, लग रहा है लोग। अच्छा सर, ये आप बताएं कि यहाँ पर ये जो वैन है, ये जो गाड़ियाँ है, इसमें क्या मतलब क्या सिस्टम है, कितना प्रति किलोमीटर घंटे? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ट्रेवल्स जो गाड़ियाँ होती हैं हमारे मऊ में जो है चलने को जो है तैयार हो गई हैं। तो इस गाड़ी में आपको जो है पूरी सुविधा बताऊँगा कि कैसे इस गाड़ी को बुक करना है, अगर आप आए हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और मऊ शहर से अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कैसे जो है इस ट्रेवल्स जो है गाड़ी को बुक करना है, टूरिस्ट गाड़ी को कैसे बुक करना है, आज जो है इसी वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि आप मऊ में कहीं भी आपको घूमने जाना हो 20 से 25 लोगों के साथ ग्रुप में एक साथ, तो कैसे जा सकते हैं, कैसे इसको बुकिंग करना है, वो सब जो है आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। और आगे ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे जो है इसमें आप जैसे उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर आप लोग जैसे दिल्ली है या जयपुर वगैरह आपको जाना हो तो कैसे जो है जा सकते हैं। ये पूरी जो है, अगर इस गाड़ी की मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो होगी वो पूरी जो है एयर कंडीशन होगी। वो अंदर जैसे आप लोग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है मैं जो है एक वैन के अंदर जो है एक कार के अंदर मैं बैठा हूँ, लगेगा कि मैं जो है एक अगर देखा जाए तो एक हवाई जहाज़ के अंदर बैठा हूँ, ऐसी आपको जो है फीलिंग आपको जो है महसूस होगी। आज की वीडियो में हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आज की वीडियो में यही सब जो है दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ये जो है टूरिस्ट गाड़ी है और कुछ इस तरह से जो है बाहर से जो है आपको नज़ारा दिखता है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं पूरा जो है चारों तरफ से इसका दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से जो है बाहर से इसका व्यू दिखता है। कैसे यहाँ पर दोस्तों आपको आना होगा, कुछ इस तरह से जो है आपको दिखाई देगा और हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह का जो है अंदर आपको दिखता है। सबसे पहले ये जो है, मैं गेट ओपन करता हूँ और आइए अंदर आपको दिखाते हैं। और जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे तो कुछ इस तरह से जो है आपको अंदर जो है वैन के अंदर कुछ इस तरह का जो है आपको जो है दिखाई देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैं जो है एक वैन के अंदर या एक कार के अंदर बैठा हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं एक जो है एयरलाइंस या फ्लाइट के अंदर बैठा हूँ। इस तरह का जो है आपको दिखाई देगा, शो करेगा, ठीक है। और ये सब जो है चेयर है, आप लोग ये चेयर देख सकते हैं। और भी जो वैन होती है, जो गाड़ियाँ होती है उसकी और इसमें बात करूँगा तो बहुत आपको अलग जो है दिखाई देगा, ठीक। और कुछ इस तरह से जो है इसमें लाइटिंग की सुविधा है और अगर का बात करूँ यहाँ पर तो जो है एसी वगैरह सब लगी हुई है, मतलब मस्त जो है एकदम ठंडी होती है। और इधर आप अगर आप देखेंगे तो जो है पूरा जो है कुछ इस तरह का जो है आपको लाइटिंग का ये सब जो है बटन वगैरह है, आप लाइट बुझा भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारी जो है बातें यहाँ के जो जो इनके मालिक है या इनके जो ऑनर है उनसे बात करेंगे, वो सब सारी जो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर आप इधर देखेंगे तो इधर जो है LED TV है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से LED TV भी जो है आप देख सकते हैं। और ये सामने से ये आगे का जो मेन हिस्सा है वो कुछ इस तरह से जो है दिखाई देता है, ठीक। और अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर फैन वगैरह भी है, आप लोग अलग से जो है आप फैन वगैरह भी जो है इसको चालू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बैठने के बाद कुछ इस तरह से जो है फीलिंग आपको आएगी और बाकी बातें करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, जैसे आप लोग अगर इस टूरिस्ट जो वैन है या कार इससे आप लोग को बुकिंग करना हो या उत्तर प्रदेश या मऊ सिटी में या अदर स्टेट में आप लोगों को इस वाले जो कार है या ऑल इंडिया आपको कहीं भी घूमना हो तो कैसे इसको बुक करना है, आज जो इनके ऑनर हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर से नाम जो है इनका जानेंगे कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं इस बस में अभी सावन मास में झारखंड के और
उधर गया था घूमने के लिए, छत्तीसगढ़ गया था, झारखंड गया, इसी से बहुत अच्छा लगा। ये जो धार्मिक स्थल मऊ में है, बंदेवी धाम हुआ, इधर मुक्ति धाम हुआ, घूमते हुए उसके बाद अपने जनपद मऊ में ये घूमे, उसके बाद फिर आगे यहाँ से निकले और झारखंड तक हम लोग गए। यहाँ से 700 किलोमीटर लगभग गए आए, पता नहीं चला, बिल्कुल भी कंफर्टेबल सीट मिली, फुल एसी है, इसका भी मजा है और भी एकदम रिलैक्स महसूस हुआ, लग रहा है कि लोग कार में। अच्छा सर, हमसे पूछना चाहेंगे मतलब इसके बारे में आपको कैसे आइडिया आया, जैसे और भी बहुत मतलब अलग अलग स्टेट में होता है, मतलब ऐसे सोचते नहीं है, मतलब कैसे आप मऊ के बारे में मतलब इस वैन के बारे में आप जो है सोचे, ऐसा क्या मतलब सोचने के विषय में तो भैया बता दें कि अब दुर्गेश भैया ने सोचा, इसके ऑनर है, उन्होंने मंगाई और हम लोग ने पहली बार ट्राई करने का प्रयास किया, लेकिन अब तो ये है कि मऊ ही नहीं, हमको भारत में कहीं जाना होगा, भारत नहीं भारत के किसी भी कोने में जाना होगा, जितने भी राज्य हैं, चाहे वो कहीं जाना हो, उज्जैन जाना हो या कहीं भी घूमने जाना हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना हो या पिकनिक जाना हो या शादी ब्याह में जाना हो, लंबी जो यात्राएं हैं हम लोग इससे करना चाहेंगे, अपनी गाड़ी से ज्यादा सेफ्टी है। अच्छा सर, ये आप बताएं कि यहाँ पर ये जो वैन है, ये जो गाड़ियाँ है, इसमें क्या मतलब क्या सिस्टम है, कितना प्रति किलोमीटर घंटे के क्या मतलब इसका? ये लगभग आपका जैसे लंबी दूरी रहेगी तो 30 रुपया पर किलोमीटर जाती है, 30 रुपया, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, न टोल टैक्स देना है, न कुछ देना है, कोई चीज नहीं देना है। अच्छा, अगर आप मतलब स्टेट से बाहर जैसे होंगे तो उसका क्या हिसाब किताब रहेगा? बाहर जाएंगे तो कुछ स्टेट हमारे भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ टैक्स लगता है, जैसे झारखंड हुआ, उधर दमन द्वीप हुआ, बस उनको टैक्स देना रहेगा और कुछ नहीं, और सारी व्यवस्था मतलब उसी में ऐड हो जाएगा या उसका अलग से चार्ज? नहीं, टैक्स बस देना रहेगा, मामूली लगता है टैक्स कोई ज्यादा। अच्छा सर, ये इसमें पूछना है कि इसमें टोटल कितनी सीट है, मतलब एक साथ कितने लोग जो है इसमें? 20 सीट इसमें है, 20 सीट, हाँ इसमें 20 सीट है, मतलब की बैठ सकते हैं एक ड्राइवर एक कंडक्टर की छोड़ दीजिए तो 20 सीटें हैं। 20 सीट, अगर इसको बुक करना हो तो मतलब कैसे मतलब बुक करना होगा? आपका कोई मोबाइल नंबर हो या कैसे हो तो, या अगर कोई इस एड्रेस पे अगर आना चाहते हो तो कैसे आ सकता है? ये अगर बुक करना हो तो भीटी चौक पड़ता है मऊ जनपद में, भीटी चौक दुर्गेश सिंह पूर्व सभासद निजामुद्दीनपुरा उनका है, उनका पता है भीटी चौक मऊ, जिनका नंबर है 99184453 42। एक बार पुनः आपको बता दूं, 99184453 42 दुर्गेश भैया का नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट फोन करके डायरेक्ट मिल सकते हैं बीटी चौराहे पर आके और बुक कर सकते हैं। और हेल्थ से लेकर क्या कुछ सब कुछ मिलेगा सर, फिर आप यहाँ डायरेक्ट आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं किसी से भी, अगर आप पूछेंगे मोहल्ले में या फिर यहाँ बीटी चौक पे कि दुर्गेश सिंह का मकान कौन सा है या फिर सभासद जी का कौन सा घर है तो कोई भी आपको बता देगा। सर ने बताया कि जो नंबर बताए मैं आपको स्क्रीन पे नंबर भी लिख दूंगा, अगर आप लोगों को बुकिंग वगैरह करना होगा तो आप लोग जो है इस वाले आप लोग कार को या वैन को आप लोग आके सामने से देख भी सकते हैं, रेट में आप लोग कम खर्च में आप लोग बहुत जगह घूम सकते हैं, पूरे 28 राज्य में आप कहीं भी जा सकते हैं और एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे ये सीट है आपकी, देखिए यहाँ पे सीट आप दिखाइए सर, ये सीट है आपको एकदम तोड़ने वाली, एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। 20 लोग आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के आप लोग निकलिए, एक बार आप इस मजा लीजिए। मऊ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मऊ के लोगों से हम तो यही कहेंगे कि लगभग हम लोग मऊ के लोगों से 100 लोग से ऊपर इस गाड़ी से घूम चुके हैं। अगर आप भी प्रयास करिए, आप भी एक बार कोशिश करिए घूमने के लिए। अगर मऊ में कोई घूमना चाहे तो जैसे मऊ के जो एरिया है जी जी जी, वहाँ पे किस किस जगह ये जो गाड़ियाँ जा सकती है? आप कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं जहाँ चाहे आप जा सकते हैं एकदम बिंदास। मऊ के लोगों के लिए नहीं, ये मऊ जनपद के लोगों के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, प्लस अगल बगल जो जुड़े जिले जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, इस जिले के लिए के लोग अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो उन लोग बेस्ट ऑफर है, वो भी जब चाहे तब वो बुक कर सकते हैं। और अब सब लोगों से बहुत अच्छा लगा जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग भी आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। यहाँ के लोगों से मतलब हम लोग यही कहना चाहेंगे कि एक बार आप लोग पुनः प्रयास करें घूमने का, एक बार ग्रुप में साथ बना के निकलिए, इसके बाद देखिए आपको खुद मजा आने लगेगा, दूसरे से आप लोग खुद कहने लगे कि हाँ भैया दुर्गेश भैया गाड़ी लेके जाइए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अंदर जैसे आएंगे तो कुछ इस तरह से जो है आपको पूरी सीट जो है आपको जो है दिखाई देगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है सीट है। अब अंदर बैठने के बाद अलग से जो है आपको कंफर्टेबल जो है महसूस होगा, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है अंदर का व्यू दिखता है। सामने जो है LED TV थी और बाहर से जो है आपको कुछ इसका जो है आपको व्यू दिखाते हैं। ठीक, और ये जहाँ पर ड्राइवर लोग बैठते हैं वो जगह है, और अगर आप बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो है इसका आपको व्यू दिखेगा, और इधर
लगेज रखने वाली जो जगह है ये वो है, और ये जो गाड़ी नंबर है ट्रेवल से। हाँ लगेज वाला आप दिखा दीजिए सर कि कुछ लगेज आप लोग जो रखेंगे वो पूरा जो है सेफ्टी से रख सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का जो है आपको ट्रेवल्स गाड़ी दिखेगी, और ये आप लोग जो भी सामान आप कुछ इस तरह से जो है मतलब आप लोग लगेज का आप इंटीरियर में आप कुछ रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों आज का ये जो है वैन का कुछ वीडियो का, अगर आप लोग इसको बुकिंग करना चाहते हैं तो जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो दिया गया है आप लोग जो है उसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो ब्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जो लोग इस को बुक करना चाहता है वो आप जो नंबर जो दिए हैं उस नंबर से कांटेक्ट करें यहाँ। और अगर उधर देखेंगे तो भिटी जो है चौराहा है, उसी के सामने ये मंदिर है, उसी के सामने यहाँ पे कार खड़ी रहती है, आप यहाँ पर आकर जो है जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस, तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।